हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टिक टिक एप्लीकेशन के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिस वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था टिक टिक एप्लीकेशन में जो भी प्रॉब्लम आ रहे हैं 10 जून को पूरी तरह से प्रॉब्लम को फिक्स कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक टिक टिक एप्लीकेशन में जिस तरह से पहले प्रॉब्लम आ रहे थे उसी प्रकार अभी भी प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम कब तक सॉल्व होने वाला है? कहीं ऐसा तो नहीं टिक टिक एप्लीकेशन जो है मित्रो ऐप की तरह ये भी फ्रॉड ऐप है? इस एप्लीकेशन को यूज करना चाहिए या फिर नहीं यूज करना चाहिए, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल में पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हाँ तो दोस्तों, बात करने वाले थे टिक किक एप्लीकेशन के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, 10 जून को टिक किक एप्लीकेशन में अपडेट आने वाला था और जो भी प्रॉब्लम पहले आ रहा था वो सारे के सारे प्रॉब्लम को फिक्स करने वाला था। लेकिन यदि आप टिक किक एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद टिक एप्लीकेशन ओपन तो होता है, ओपन होने के बाद फिर से वो बैक हो जाता है। यानी कि जिस प्रकार पहले टिक किक एप्लीकेशन में प्रॉब्लम था उसी प्रकार अभी भी प्रॉब्लम आ रहा है और ये प्रॉब्लम अभी तक फिक्स नहीं किया गया है। तो मैं आपको बता दूं, इस एप्लीकेशन में बहुत ही जल्द जो भी प्रॉब्लम आ रहे हैं वो प्रॉब्लम आपको फिक्स कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे टाइम लग सकता है, क्योंकि आपको पता होगा ये जो टिक किक एप्लीकेशन जो था सेम टिकटॉक की तरह ही दिख रहा था, इसलिए यहाँ पे टाइम लग रहा है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको चेंजिंग देखने को मिल जाएंगे जब टिक किक एप्लीकेशन पूरी तरह से अपडेट हो जाएंगे। लोगों को ये कहना है जो टिक किक एप्लीकेशन ये फ्रॉड ऐप तो नहीं है। इससे पहले भी आपको पता होगा टिक मित्रो ऐप जो लॉन्च हुआ था और ये एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा से वायरल हुआ था और बाद में पता चला कि मित्रो ऐप जो है एक पाकिस्तानी ऐप है। अभी तक हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि टिक किक एप्लीकेशन जो है पाकिस्तानी ऐप है या फिर इंडियन ऐप है, क्योंकि यहाँ पे जब हम प्ले स्टोर ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद यहाँ पे जब हम टिक किक एप्लीकेशन सर्च करते हैं और ऐप का जो डेवलपर होता है तो वहाँ पे सारे डिटेल दिया जाता है। लेकिन जैसे आप क्लिक करेंगे वहाँ पे तो यहाँ पे अभी फिलहाल में कुछ भी डिटेल नहीं दिया गया है, एड्रेस दिया गया है और नहीं यहाँ पे वेबसाइट दिया गया है। तो यहाँ पे काफ़ी लोग डाउट कर रहे हैं कि टिक किक एप्लीकेशन जो है मित्रो ऐप की तरह फ्रॉड ऐप तो नहीं है। तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ, अभी फिलहाल में टिक किक एप्लीकेशन अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर रखे हैं तो अभी के अभी अनइंस्टॉल कर दो। जैसे ही टिक किक एप्लीकेशन पूरी तरह से वर्क कर जाएगा, बारे में आपको एक मैं वीडियो बनाकर दे दूंगा कि टिक किक एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं, क्योंकि अभी टिक किक एप्लीकेशन यूज करना हम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। क्योंकि आप लोगों को पता भी होगा, कुछ दिन पहले ही मित्रो ऐप को प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया गया था क्योंकि एक फ्रॉड ऐप है। तो ऐसा भी हो सकता है यदि अब टिक किक एप्लीकेशन फ्रॉड ऐप निकला तो बहुत ही जल्द इसे प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल शैलेंद्र चैनल को सब्सक्राइब करना। यदि आप लोगों को किसी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।